बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बी गिलगित बल्तिस्तान अंदरूनी बैरूनी मुल्क से आने वाले सियाया को सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन सियाहों की जन्नत हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप जब आलम ब्रिज से इस्करदू की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में हरामोश एक गांव है जिसके अंदर मुख्तंसर हुसैन तारट साहब जो बाहर दुनिया में जाके किताबें लिखता है उसी ने कहा कि हरामोश नाकाबिले फरामोश। हरामोश के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरते हुए पानी गिरते हुए वाटरफॉल जंगल और जंगली हयात रामोश के अंदर खलुतरों का अनोखा मंजर। इंसान जब जाता है तो दिल करता है कि यहाँ मर जाऊँ यहाँ बैठ जाऊँ यहाँ घर बसाऊँ। रामोश कुटवाल लेक वहाँ से एक दिन की ट्रैकिंग होती है बंदा अदब बल्तिस्तान बल्तिस्तान पहुंचता है। लेला बेस्ट कैंप के एक लड़की के नाम से एक कैंप है। एक दिन में अरंदू पहुंचता है। मैं जी भी गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले सियाहों को हरामोश की सरजमीन पर स्पेशली तौर पर खुश आमदीद कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मौजूद मेहमानों को इज्जत देते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने जमा पहुँचे रकम से जहाँ जहाँ होटलें बनाया गया टूरिज्म के लिए वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है। तो मैं सियाहों से भी अपील करूँगा आप एक दफा ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मुँह करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का अनोखा मंजर है। वस्सलाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।